99.9, अभी थोड़ी देर पहले 99.6 था और अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 हो चुका है। मेरे को लगता है मेरे को मेरी लाइफ में ये जो अजीब अजीब कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, फूड कॉम्बिनेशंस, ये करने बंद करने पड़ेंगे। क्यों? कल रात को, जैसे कि तुम लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होएगा, मैं फैंटा और स्प्राइट लेके आया था और रात को ना मैंने दोनों मिला के पी, जिस करके उसका रंग तो काफ़ी बढ़िया बन गया था, बट हाँ, उसने गले की ऐसी की तैसी फेर दी। उस टाइम पे मेरा गला बिल्कुल जाम पैक हुआ था। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल्चर बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। और हाँ, बाय द वे, अभी इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 in the morning और बाहर अंधेरा हो रखा है, इसका मतलब सर्दियाँ आ रही है, नहीं तो जनरली 5 बजे तक चांदना आ जाता है। सो फटफट बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं कि कैसा सा माहौल है अभी बाहर का, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी ना सिर्फ कैमरों से ही देखा, अभी वो एक्चुअल फील तो मैंने भी ली बाहर जाने की। ये देखो, इसी अंधेरे की मैं बात कर रहा था, मतलब अभी मेरे पास कोई टाइम पीस नहीं है तुम लोगों को दिखाने के लिए। दैट इट्स ऑलमोस्ट 5 in the morning, बट हाँ, बजे हैं 2 मिनट। एक तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, ये स्वाइप डाउन करके देखो, पता नहीं तुम लोग रिफ्लेक्शन में देख पा रहे होगे या नहीं। हाँ, अब देख पा रहे होगे, 5:01। खैर, अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी जल्दी उठने का कारण ये है क्योंकि अभी मैंने और पापा ने जाना है मनसा देवी मंदिर मत्था टेकने के लिए। सो हाँ, इस करके पापा ने मेरे को 4:15 के करीब उठा दिया कि नहा धो के तैयार हो जा, और देख लो नहा धो के अपन लोग एकदम फ्रेश हो गए। खैर, अभी तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी है, मेरे को बड़ी गंदी लुक्स दे रहे हैं, यहीं कहीं पे खड़े हुए हैं, तो वो देखो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। सो हाँ, अपन लोग चुपचाप अंदर ही चलते क्योंकि मेरी 3-4 बारी हंसी छूट गई है शॉट लेते हुए। ये तो मेरे को थोड़ी सी स्नीकी वे से दिखाता हूँ कि भैया क्या कर रहे हैं, मतलब बार बार मेरी तरफ देखी जा रही तो मेरी हंसी छूट रही है भाई। अच्छा, वहाँ पे बैठे हुए हैं वो, देखो वो भी इतनी गंदी लुक्स दे रहे थे ना मेरे को, भाई कहने की हद नहीं। चलो कोई ना, अपने को क्या, अपनी तो पुंडी फुल चार्ज हो गई है, चार्जर मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, और जैसे ही पापा बोलेंगे अपन लोग निकल लेंगे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट गाइस, अभी जो है 5:15 हो चुके हैं और 5:16 ही हो चुके हैं, बल्कि 1 मिनट ऊपर ही हो गया। अपन लोगों का भी निकलने का टाइम हो चुका है, बस पापा ने मेरे को इतना कहा कि तू गाड़ी दूसरे रैंप पे ले आ, फिर पापा वहीं से वहीं सामान चढ़ाएंगे और अपन लोग निकल लेंगे। खैर, अभी तो ORVM खोलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पीछे आला क्यों खोल रहा है, क्योंकि वो खोलना मैं भूल गया। चलो ठीक है, तो चलो बस कोई ना, अब अपन लोग निकलते हैं फटाफट। और सुबह सुबह पता नहीं क्या मैसेज कर रहा है, स्नैपचैट भी वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, अपन पुंडी पे भी जा सकते थे, बट हाँ फिर भी ठीक है, गाड़ी प्रेफरेबल ऑप्शन है इस टाइम पे सुबह सुबह। सो फाइनली अभी जो है अपन लोग मनसा देवी की पार्किंग में तो आ चुके हैं, पापा को मैंने वहीं पे ही खड़ा दिया, मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब ट्राईपॉड को तो मैं खैर यहीं छोड़ के जाऊंगा क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते बाबू भैया, ट्राईपॉड तुम मना ना कर दे, बस इस गाड़ी से ना लगे ना लगे ना लगे। चलो कोई ना, फट फट चलते हैं, और मंदिर लग कितना प्यारा आ रहा है, तुमको भी दिखाता हूँ 2 मिनट रुको। वो देखो अलग से ही चमक रहा, और मेरे भी पैरों में इतने गंदे पत्थर चुभे ना यहाँ पे, बस चलो कोई ना, मंजिल इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। जय माता दी, करते जाओ सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, बस 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 बस, अब बढ़िया पाथ आ गया ना ये सड़क, इस पर इतने पैर नहीं डूबेंगे। Thank you.
भाई साहब सॉरी 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 अभी गिरते तुम लोग। मेरे को ना 1% भी आइडिया नहीं था भी मैं घर आऊंगा माथा टेक के और इतनी गहरी नींद सो जाऊंगा दोबारा से, क्योंकि एक बार मेरी नींद खुल जाए ना उसके बाद अगर मैं ड्राइव वगैरह या कोई भी ऐसा काम कर लूँ जिसके लिए हल्की सी भी दिमाग की रिक्वायरमेंट है तो फिर ना मेरे को वापस नींद नहीं आती। बट भाई इतनी बढ़िया नींद आई, मतलब 6:15 करीब अपन लोग मत्था टेक के घर आए और अभी 8:30 हो रहे हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे सोया। मेरे को थोड़ा बहुत याद भी है कि घर वालों ने यहाँ पे चाय भी पी, पापा का फ़ोन भी बजा बीच में को, क्योंकि पापा का फ़ोन यहीं पे ही चार्जिंग पे लग रखा है देखो। बट भाई नींद ही बड़ी गहरी आ रही थी। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 9:30 इन द मॉर्निंग और अभी एक छोटी सी दिक्कत होगी जिसका अपने को सामना करना पड़ रहा है, और ये वो वाली घड़ी नहीं है वो रुक गई है 7:45 पे। मतलब अब अपने को उस घड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब स्टूल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उस घड़ी को उतारना पड़ेगा, उसका सेल चेंज करना पड़ेगा। सो हाँ ठीक है अभी वो काम भी निपटा लेते, क्योंकि ये घड़ी ना हमारे घर की 2 घड़ियाँ हैं हमारे घर में टोटल ऐसे वॉल क्लॉक, एक दीदी के रूम में एक ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको टाइम बताती है। तो चलो भी उठते हैं सबसे पहले इसी का ही करते हैं काम। इसमें सेल डलता भले ही 6 महीने में एक बार ही है, बट जब भी डलता है ना भाई ऐसे ही तेजी फेर देता है। अब इसका टाइम भी सेट करना पड़ेगा, और पहले तो अपन लोग सेल डालें, क्योंकि सेल डालने इसमें अपने आप में प्रोजेक्ट है। इनको डलेगा चलिए, हाँ चल पड़िए, बस टाइम सेट करना है इसका। 2 मिनट टाइम हो रहा है 9:32। अभी थोड़ी देर पहले 99.6 था और अब ऑलमोस्ट 100 हो चुका है। सो इट्स ऑलमोस्ट 109 इन द आफ्टरनून। अभी ना ही मैंने अपने कमरे का पंखा चला रखा है ना ही एसी, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तभी मैं शॉक हो गया, तभी बीच में कट लिया घर वालों को बताने के लिए कि 99.9 बुखार हो गया है मेरे को। भाई समझ में नहीं आ रहा, मतलब अचानक से ही बहुत ही गंदा बॉडी पेन शुरू हुआ, टेम्परेचर ठंड लगने लगी, मतलब अभी पंखा बंद कर अब गर्मी लग रही है। खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं करा, सिर्फ घर पे कुछ पेड़े पड़े थे वो खाए, और वो भी जैसे ही खाए ना बस निकाल दिए। खैर अभी तो मम्मी हमारे लिए कॉफ़ी और कोई एप्पल वगैरह फ्रूट वगैरह काटने लगे हैं, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरे को लग तो रहा था कि मेरे को बुखार है, तभी तो मैं यार तुम्हें सुबह भी बता रहा था भी हमें गाड़ी चला के आया, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता मैं सोने जाता, बट सोने गया। चलो कोई ना, अभी तो कॉफ़ी पीते हैं अपना, आराम से फ्रूट खाते हैं, फिर देखते हैं अगर व्लॉग हो पाता है तो करेंगे, अदरवाइज आज का जितना भी शूट हुआ ठीक है डे ऑफ ले लेंगे वो अपन लोग। पता नहीं तुम लोग देख पा रहे होगे या नहीं, बट अभी ना वहाँ पे बड़ा ही प्यारा रेनबो सा निकल रखा है। मतलब अभी तो हायर काफ़ी लाइट हो गया, बट पहले बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था। एंड बाय द वे इट्स ऑलमोस्ट 6:30 इन द इवनिंग, और अभी मेरे बाल इसलिए ख़राब है क्योंकि अभी मैं डॉक्टर अंकल के जाके आया, और थोड़ा बहुत मार्केट से सामान भी लाना था वो भी लेके आया, अपने लिए कफ सिरप भी लेके आया, मतलब ये गोलियाँ हैं काफ़ी बढ़िया काम करती हैं ये, तो हाँ ओवरऑल ठीक है।
वैसे अभी मेरे बुखार में काफी फर्क है, 99 पहुंच चुका है, मतलब एक डिग्री कम हुआ है बुखार, बट गर्मी अभी भी मेरे को गंदी सी लग रही है, बट हाँ कंपेटिवली एनर्जी ठीक है, अब जान प्राण है। वैसे अभी बाहर बारिश भी काफी गंदी हो रही है, तभी रेनबो निकल रहा है, और अभी हमारे पास दिखाने कुछ नहीं बचा और आप लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा। तो अब इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई जर्नी एक नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।